हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज की नई वीडियो में। तो ये मेरा एपिसोड नंबर 3 होने वाला है, पर मैं लाइव स्ट्रीम को अभी इंक्लूड नहीं करूँगा। तो फटाफट से आज वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है को मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। अरे यार, आप सीक्रेट बेस तो नहीं कह सकते, पर फिर भी वैसा सही कुछ बनाया हुआ मैंने। हाँ, यहाँ पर मैंने देखो भाई, मैं टॉर्चेस लगा लेता पहले। गाइस, ये सीक्रेट बेस सा है कुछ। अब इसको पूरा का पूरा सीक्रेट बनाना भी है, अभी बाद में बनाएंगे इसको कुछ। तो भाई, यहाँ पर आज मैं पूरी फ्लोरिंग करने वाला हूँ अपने कासिल के नीचे, क्योंकि जो कासिल की जमीन है वो भी तो स्टोन ब्रिक्स के नीचे है ना। तो आज वही है मेन मकसद मेरी वीडियो का। टॉर्च तो मेरे पास बड़ी है, यहाँ पे अंदर लगाता हूँ फटाफट से। फटाफट से यहाँ पर टॉर्च प्लेस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर चेस्ट लगाएंगे जिसके अंदर सारा ओपी ओपी से सामान रखूँ। वैसे अगर मैं वाटर बकेट से ऊपर जाने लगा तो ये नीचे वाले टॉर्च टूट जाएंगे, तो इनको ऊपर लगा लेता हूँ। यहाँ पर चलो वहाँ भी है, इसको बनाएंगे कुछ छोटा सा कैट बेस। अभी फटाफट से चलते हैं ऊपर। कोई ओपी कासल है यार वैसे अपना। तो भाई, ये कुछ इम्पोर्टेंट सामान मैंने अपने पास रख लिया है। अब एक चेस्ट क्राफ्ट करनी है और इसको अपनी सीक्रेट बेस में रख देना। चलो चेस्ट एक लगा देते हैं अपने सीक्रेट बेस में यहाँ पर। डायमंड्स, ये कुछ सामान और आयरन तो मैं अपनी चेस्ट में रखूँगा, क्योंकि आयरन तो ऐसे ही यूज़ होता रहता है और कुछ खास रेड भी नहीं है। मतलब है आयरन भी, मतलब रेयर नहीं, मतलब काम का है बहुत। रेयर तो नहीं आयरन। अब ये सारी है यार, इसको बंद कर देता हूँ अभी मैं। अब ये सारी की सारी जितनी भी ज़मीन है भाई, इसको हमें तोड़ना है, मतलब इनको हम शॉवल से पूरा हटा देना है। अभी ये इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सच में। अभी ये मैंने पूरा का पूरा तोड़ देना, और इसकी जगह इस साइड डर्ट की जगह मैंने स्टोन ब्रिक्स प्लेस कर देनी है। तो भाई, इसमें तो भाई बैंड बजने वाली है, पर ठीक है। तो गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा तोड़ लिया हुआ है यार, ये कहाँ आ गया। अभी स्टोन ब्रिक्स प्लेस करना पर रह गई होंगी, अभी बस तोड़ ही रहा था। देखो कितना ज़्यादा काम हो चुका है अभी, पर फिर भी अभी सेंटर वाला सारा काम करना बचा है अभी। वो स्टोन की शॉल से कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर अभी ये जो सारा मैं कर लूँगा। अभी मुझे वो वापस से डर्ट भी प्लेस करनी है, जहाँ जहाँ से मैंने डर्ट तोड़ी है, मतलब जो गलती से टूट गया नीचे। तो भाई, इसको भी फटाफट से हमें तोड़ना पड़ेगा। अरे यार, बेड लगा दो भाई कहीं पर, वरना सीक्रेट बेस में आगे। हाँ, एक गिरना नहीं है सीक्रेट बेस में, फटाफट से यहाँ पे करते हैं। तो भाई, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा देर बाद, यहाँ पे मैं आपको स्पीड में दिखा रहा हूँ, मैंने भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पे पूरी स्टोन ब्रिक्स लगा ली, कर दिया और डर्ट भी सारी हटा दी भाई। इसमें मुझे भाई सच में बहुत स्टोन, मुझे थोड़ी सी स्टोन आने के लिए तो नहीं जाना पड़ा, मतलब पहले मुझे फर्नेस के लिए कोल इकट्ठा करने भी जाना पड़ा था भाई इसलिए। तो भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी ब्लॉक जितने हो चुके, बस थोड़े से ब्लॉक लगाना रह गए हुए हैं अब। तो भाई, इतना ज़्यादा ब्लॉक आने में भाई सच में हार्ट अटैक हो गई। बन गए बस सारे ब्लॉक, तो ये थोड़ा सा बचा यहाँ पे भी बना लेता हूँ फटाफट से। हाँ, यहाँ पे तो पड़ा नहीं है, लगाना पड़ेगा फर्नेस में थोड़ा सा और गर्म होने के लिए। यहाँ पे लगा तो 60 यहाँ पे आ चुके हमारे, मेरे पास ब्लॉक्स मैंने गर्म होने के लिए लगाए थे। तो भाई, यहाँ पे हो गया सारा काम, ऑलमोस्ट समझ सकते हैं सारा काम हो गया। ये अरे डॉट हट, यहाँ पे भी टॉर्चेस लगा ले तो साथ साथ में मॉस स्पॉन होने से देंगे यहाँ पर। और बस यहाँ पे अगर मॉस स्पॉन हो गए तो
सारी मेहनत बेकार, मतलब क्रीपर मेनली, बाकी के मॉब्स तो हमें मारेंगे ना, बाकी और कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और स्पॉन भी बजेंगे, बेड भी लगा हुआ है। अरे हाँ यार, बेड नहीं लगा हुआ है, बेड के ऊपर भी स्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ जल्दी से जल्दी, वरना हरकत हो सकती है। तो ये तो डॉट भी तोड़ के ब्लॉक, उससे हमारा सारा, अरे यार उससे हमारा सारा काम हो जाए, हो गया ओपी भाई, सारा काम हो गया। इतना मस्त लग रहा भाई अब भाई। अभी एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है हमने, तो भाई वीडियो तो एंड तक देखनी पड़ेगी आपको भाई, क्योंकि बीच में हमने एंड में बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है यहाँ पर, तो आप देखते रहो साथ में। अरे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रोटेन फ्लैश खाना पड़ रहा है यार, क्योंकि अभी और कोई अच्छा सा खाना कुक्ड नहीं है ना, तो कुक्ड के बिना तो क्या है फिर, एक दो हंगर्स बाहर पड़ते हैं ज़्यादा ज़्यादा। तो चलो नहीं है कोई भी खाना, तो चलो अपने पड़ोसी राज्य से मिलने चलते हैं, अपने हमारे हमारे पड़ोसी राज्य के घर जाना हमारा फ़र्ज है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, टाइम से थोड़ा खाना इकट्ठा कर लेता हूँ मैं और निकल पड़ता हूँ। भाई यार ये पर घर बड़ा ओपी लग रहा है यार, जो भी बोलें ओपी है यार ये। तो चलो फटाफट से पड़ोसी राज्य के पास भी चलना है अभी हमने, चलो तो चलते हैं। रोटन फ्लैश ठूसते ठूसते रोटन फ्लैश है, हंगर पार आते हैं फिर चले भी जाते हैं। घोड़े का परिवार भाई, अब चलो फटाफट से पड़ोसी राज्य के घर। पड़ोसी राज्य ने थोड़ी देर में बड़ी बड़ी प्रोग्रेस कर ली हुई है, देखो आयरन रोड लगाए हुए हैं घर घर के बाहर। नहीं मुझे वो आ गया अफेक्ट, देखो भाई थोड़ी देर जस्ट हम देख रही। अरे इसकी स्वॉर्ड, मेरी स्वॉर्ड स्टोन की स्वॉर्ड मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, पर मैं करूँगा नहीं भाई। यहाँ पे देखो खाली खाली टेस्ट है भाई, कुकड कुकड सामान है थोड़ा सा, कुकड एक कुकड चिकन ले लेता हूँ, वापस भी दे दूँगा बाद में, क्योंकि अभी यार मेरे कुकड खाने की कमी हो रही है, तो एक पड़ोसी के काम आता है भाई। यहाँ पे ले लिया मैंने, और यहाँ पे तो हम कुछ सामान ले नहीं सकते भाई। ये क्या है भाई, सीक्रेट बेस इनका, शायद यहाँ पे भी तलाशी लेनी पड़ेगी बाद में आकर। अभी वो गए हुए हैं वर्ल्ड छोड़कर, आना रहे हैं तो फटाफट से अपने घर निकल पड़ते हैं, वरना लड़ाई शुरू हो सकती है कभी भी। आपने लाइव स्ट्रीम में देखा ही होगा मेरी, लाइव स्ट्रीम देखी हुई है तो आपको पता होगा, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई शुरू हो जाती है भाई, क्या ही बोले। अब तो फटाफट से अपने कास्टल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, जो कि मैंने आपको बताई है, मतलब बताने लगा हूँ। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं आयरन माइनिंग पे, मुझे आयरन माइनिंग की बहुत ज़रूरत है अभी। तो फटाफट से मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखा रहा हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आयरन माइनिंग की है, ये तो बस मैं आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाई है। मुझे कोई ना ना करते भी कोई मतलब 40 मिनट्स लगे होंगे भाई आयरन माइनिंग के लिए, तो 40 मिनट्स तो भाई कम से कम भी लगे होंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा देर बाद मैंने आयरन यहाँ पे लगा दिया अपने स्मेल्टिंग के लिए। यहाँ पे इतना एक स्टैक आयरन स्मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे 31 आयरन स्मेल्ट हो रहा है भाई, इतना आयरन मुझे मिल गया है, आयरन माइनिंग पे गया था भाई। रित्य कॉपी भी वर्ल्ड लेफ्ट करके गए हैं, अभी हम जा सकते हैं उनके कास्टल की तलाशी लेने पर। चलो छोड़ो, हाँ भाई यहाँ पे बेड, हाँ मैंने बेड के ऊपर रिस्पॉन पॉइंट भी सेट करना है, अभी बेड को अपने पास रख लेता हूँ और फटाफट से रिस्पॉन पॉइंट सेट करते हैं, ऐसे आज सो सकते हैं। नहीं मैं सामान यहाँ पे, मैं यहाँ पे आउट हो गया था, मुझे क्रीपर ने मार दिया, फिर मैं फटाफट से शुक्र है मैंने बेड के ऊपर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया था। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा देता हूँ, अरे इन्वेंटरी की स्पेस ख़त्म होगी। अरे पहन ले तो अपना आर्मर, अब तो बहुत ज़्यादा आयरन आ गया, बाइन कार में भी पहन सकते हैं, अब तो अच्छे ज़्यादा आयरन आ गया अपने पास। अमीर सबसे सबसे अमीर अभी नहीं है, मैं नहीं होऊंगा। रोस्ट ऑफ गेमिंग भी दूर अपना कासल बना रहे हैं हमसे, क्या पता कितनी प्रोग्रेस करते होंगे भाई। अभी मैं सबसे कम प्रोग्रेस की हुई वाला बंदा हूँ, हम भी आगे बढ़ेंगे गाइस। गाइस थोड़े यार डायमंड्स तो ऐसे मुझे माइन करने जाना पड़ेगा आगे अपनी वीडियोज़ में, तो डायमंड का आर्मर जब बढ़ेगा तब मैं प्रो कहलाया जाऊँगा। अरे ट्रेडर भाई मैं, हेलो भाई
ट्रेड दे रहे हो आप यहाँ पे, बड़ी अच्छी ट्रेड दे रहे हो, मतलब बहुत घटिया ट्रेड दे रही है आपकी। तो मतलब हूँ कौन, मैं यहाँ का राजा हूँ। तू उसी का भाई तो नहीं है गाइस? उसी ट्रेडर का भाई है जो हमें लाइव स्ट्रीम में मिला था। अभी रुको मैं देखता हूँ उसका। हाँ उसका लामा में वैसा ही लग रहा है। तो उसी का भाई है ना, वो भी ऐसी घटिया ट्रेड देना जानता था। हाँ तेरी आंखों से ही पता चल रहा है ये उसी का भाई है भाई। इसको मारना पड़ेगा भाई मुझे, सॉरी यार मुझे तुझे मारना पड़ेगा भाई, मारना पड़ेगा मुझे इसको। ये उसी का भाई है भाई जो हमें गंदी ट्रेड दे रहा था, जो हमारी बात नहीं मान रहा था। तो भाई सॉरी यार तुझे मरना पड़ेगा। भागता कहाँ, भागता कहाँ, तुझे पता ना कौन? मैं इस कासल का राजा था। और एक हम लामा को ले चलते अपने साथ। सच बताऊँ तो मुझे लामा की ज़रूरत थी, एक लामा को। भाई एक दूसरे मत थूको मुझे, मैं एक लामा को मार दूंगा। मैं इसकी, मैं वाइट वाले की साइड दूंगा, मर जाओ तुम। बाय बाय, देख मैं तेरी साइड दी, मैं ऊपर मत थूकना। फिर इसको लीड करके अपने कासल के बाहर लगा देंगे तो अपने कासल की शोभा बढ़ेगी। एक सस्ते से लामा से अपनी कासल की शोभा बढ़ सकती है, तो मुझे और क्या चाहिए भाई। अगर इस लामा को अंदर ले सकते अपने कासल के ऊपर, फिर फेंस बना के इसको बाहर अपने कासल के बाहर लीड कर दूंगा, मतलब रख दूंगा। तो भाग भाग नहीं पाएगा, अपने कासल के अंदर तो नहीं रखूंगा, इतना भी काम करनी आई। जब मेरे कासल के अंदर रह पाए तो थोड़ी देर मेरे कासल के अंदर रहने का मौका मिला भाई, ये तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तेरे सलामा के लिए। तो यहाँ पे हम फेंस बना लेते हैं, फेंस बनाने के लिए कह रही है यार। अब अरे ओक चाहिए यार, अभी ओक ही नहीं मेरे पास, टेस्ट में बस दो ही ओक पड़ी है यार। सलामा को अपने पास रखना है, मैंने कुछ भी बोला है मुझे। और मुझे प्रोसेस वुड की कटिंग ले जाना पड़ेगा। रामा को थोड़ी देर यहाँ पर रखते हैं और एक बार सो जाता है, उसके बाद सुबह सुबह जाएंगे वुड की कटिंग के लिए। तो भाई यहाँ पे हमारे दिन हो चुके हैं माइनक्राफ्ट का, प्यारा सा दिन हो चुका है यहाँ पे हमारा माइनक्राफ्ट का। तो हम फटाफट से इस लामा को अंदर रखते हैं और तो, अरे ये क्या है, क्या भाई मकड़ी ऐसी खुलियाँ मई कासल में घूमती है ऐसे? अंदर था, अंदर था, अंदर था बे यार। रुक जाओ, इसको लीड करके वापस अंदर ले चलता हूँ। चल अंदर यार। क्या है लामा भाई, कितना बदतमीज लामा है भाई तू, और फिर मैं तुझे अपने पास रख रहा हूँ। चल अंदर आ। नहीं लामा इतने नखरे बात होते हैं क्या भाई? यार क्या बंदा भाई, ये घोड़े अच्छे होते हैं लामा से। मैंने इसकी जान भी बचाई थी दूसरे लामा से, जब इन दोनों की थूकने वाली फाइट चल रही थी। अब ठीक है, वो बाहर नहीं आ सकता कहीं से भी। तो फटाफट से मैं थोड़ी सी वुड माइन कराता हूँ, ताकि इसमें लामा को मैं फ्रेंड्स के साथ बांध के अपने कासल के बाहर रख पाऊँ, तो एक अच्छी राजा वाली फील आएंगी। वैसे भी मेरे पास सैडल नहीं है, जब मेरे पास सैडल आएगी मैं बाहर एक डायमंड हॉर्स आर्मर के साथ वाला एक घोड़ा बाहर लगाऊंगा। अभी तो एक छोटे मोटे लामा से ही काम चलाना पड़ेगा ना। ये घोड़ा है अभी इतना ओपी दिख रहा है, पर बाहर पर मैं इसको रख नहीं सकता ना, क्योंकि सैडल ही नहीं है मेरे पास, करूँगा क्या घोड़े का। पर लामा को रख लेते हैं। अरे फ्रॉट्स हैं, ओक बना लूँ फिर स्टिक्स थोड़ी, बस बन जाएगी अब अपनी फेंस बन गई। तो यहाँ पर फेंस ही बन चुकी है, अब फटाफट से अपने इस लामा को, अरे कहाँ गया, फटाफट से लामा को बाहर लगा देते हैं। चल जल्दी कर यार थोड़ी। और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं फेंस के साथ, यहाँ पे अच्छा लगेगा वैसे। हाँ ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई ओपी लग रहा है यार, ओपी लग रहा है, ओपी ओपी सही है सही है। कितना अच्छा लग रहा है इससे मेरा कासल, शाबाश। तो भाई यहाँ पे कुछ खाने के लिए मैं भी स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ खाना थोड़ा। कोई तो सारा का सारा फालतू वाला सामान है उसको ऊपर रख देते हैं, क्योंकि चेस्ट में रख देते हैं, क्योंकि अभी इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। भाई रॉ चिकन के तो उल्टा इफेक्ट आते हैं भाई, रोटन फ्लैश वाले, उसको भी खाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। खाने की कमी चल रही है थोड़ी, फूड शॉर्टेज।
ये पिकैक्स कर दिया था क्योंकि मैं माइनिंग के लिए जा रहा, लामा के पास चेस्ट लगाया था भाई, एक चेस्ट बनाते हैं वो जो हम लामा की पीठ पर लगा सकें। हाँ ये अब अटैच चेस्ट किया मैंने यहाँ पर। और गाइस अगर आपको पता होगा तो अब मैं जिस जो भी इसके बैठ को मैं इसकी इन्वेंट्री में थोड़ा सा सामान रख सकता हूँ, जैसे मैं इसकी इन्वेंट्री में हेलमेट रख सकता हूँ और इसके ऊपर बैठ कर आराम से चल सकता हूँ, और जब भी मेरा दिल करे मैं इसकी इन्वेंट्री से चेस्ट निकाल भी सकता हूँ। पर मैं अभी इसकी इन्वेंट्री में आयरन चेस्ट रखूँगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी आके ले सकता है। हाँ इसकी एच भी ज़्यादा है, पिक को मारो भाई, अभी फूड की कमी चल रही है हमारे पास। तो भाई एक अच्छे राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा से मिलने जाए, तो भाई मैं भी हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी प्रजा से मिलने जाता हूँ, देखता हूँ सही है कि नहीं, क्योंकि मेरा साम्राज्य है भाई। भाई इतने अच्छे अच्छे देखो भाई, ये होती है ट्रेड्स, ये होती है भाई अच्छी ट्रेड्स भाई, शाबाश अच्छा काम कर रहे हो तुम, ये होती है ट्रेड्स भाई, पता नहीं ट्रेडर क्या सस्ती ट्रेड्स देते हैं भाई। पानी में गिर गया। हाँ भाई मैं क्या बात करता था, हाँ ट्रेडर्स क्या भाई सस्ती ट्रेड्स देते हैं भाई, इतने ज़्यादा एमरल्ड के बदले तो बकवास का सामान थोड़ा। यहाँ पे भी मैं दरवाज़ा बनाऊँगा, नहीं मैं सोचा मैं दरवाज़ा नहीं बनाना कंजूसी कर रहा हूँ, दरवाज़ा बनाऊँगा अभी, पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है जिससे मैं दरवाज़ा बना सकूँ, तो समझा करो आप लोग भी भाई, कुछ नहीं होता तो हमने थोड़ा सा आयरन अब स्मेल्ट हो चुका है भाई, अब जितने आयरन के डोर्स बनाने उतने बनाऊंगा भाई, अब कोई टेंशन की बात नहीं रही हुई यहाँ पर। हाँ तो भाई अब मैं जा सकता हूँ अपने पड़ोसी राज्य से मिलने, अभी वो शायद से वर्ल्ड में नहीं है, देखता हूँ उन्होंने क्या केव बनाई हुई है भाई अपनी, पता हम केव में जाए हमें डायमंड्स मिल जाए भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, फटाफट से चलते हैं। तो भाई पड़ोस के राजा के साथ अपनी अच्छी मित्रता है, तो अगर वो आ भी के वर्ल्ड में तो हमें मानेंगे नहीं, तो हम चलते हैं माइनिंग के लिए फटाफट से, थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ भाई, फंगस बाद एकदम से ख़त्म हो गए हैं और थोड़ी देर बाद मुझे डैमेज पड़ना भी शुरू हो जाएगा। ये देखो भाई अपने पड़ोसी राज्य का घर, हाँ कितना आलीशान से है, पर घर ही उनका कास्टल नहीं है, उनका खुद का साम्राज्य भी नहीं है, तो बोलते हैं कि मैं बाद में बनाऊँगा, तो अभी हम चलते घर पर देखते हैं भाई। इस डायमंड स्टोन स्वॉर्ड की अच्छी मुझे सोच लगी, मैं स्टोन स्वॉर्ड के बदले स्टोन स्वॉर्ड ही ली है, वही डायमंड या फिर आयरन स्वॉर्ड नहीं लिया, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और इनका कुछ भी खास नहीं पड़ा यहाँ पे। और फटाफट से हम जो काम करना है तो वो काम करने चलते हैं भैया। आप वाटर बकेट मैं देखना चाहो, ओ भाई यार इससे बड़ा काम होता है भाई, इससे वाटर बकेट एमएलजी देखना चाहते हो, अगर मैंने वाटर बकेट एमएलजी माने तो आपको लाइक करना पड़ेगा भाई, प्रो प्लेयर भाई, मार ली एमएलजी आई यूपी, इतनी तगड़ी एमएलजी मारी भाई क्या ही बोलूँ, आपको वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, मैं कितनी ऊपर से आया। ओ भाई यार इससे बड़ा काम होता है यार स्पाई ग्लास से, बड़ी फायदेमंद चीज़ है स्पाई ग्लास भी। अरे मुझे लगा था उन्होंने कुछ सीक्रेट जगह बनाई होगी, पर ये तो माइनिंग ही करने आया था, वो भी मुझे लगा कोई सीक्रेट जगह बनाई होगी, चेस्ट में डायमंड वगैरह पड़े होंगे, तो मैं लूटता नहीं, मैं देख पा रहता कि हाँ भाई डायमंड पड़े हैं ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या पता मैं माइनिंग करूँ मुझे कोई अच्छा सा सामान मिल जाए, वैसे अंधेरा बहुत हो रहा है, वो क्या है रेड स्टोन है भाई, वो रेड स्टोन है साइड पे, हाँ साइड पे रेड स्टोन है थोड़ा सा। तो भाई मुझे आयरन की पिकैक्स ले आनी चाहिए थी भाई पहले ही, मुझे वापस से ऊपर जाना पड़ेगा आयरन की पिकैक्स, अरे वैसे मेरे पास सामान होगा आयरन की पिकैक्स बनाने का, अरे हाँ भाई शुक्र मैं आयरन ले आया यहाँ पर, मैं फटाफट से आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ एक, जिससे मैं हाँ भाई बना सकता हूँ मैं ओपी, जिससे मैं फटाफट से अब मैं रेड स्टोन तोड़ पाऊँ, डायमंड के सपने तो भाई मैं देख नहीं रहा हूँ भाई, फटाफट से चलते हैं। हाँ यहाँ पर ओपी भाई वाटर बकेट रख, हाँ तो भाई ये तोड़ लेते हैं रेड स्टोन भी भाई बड़े काम आ जाता है कभी कभी, बेड रॉक आ गया भाई, बेड रॉक ओ भाई
डायमंड सही मिल चुके हैं भाई हमें यहाँ पर, पहली बारी भाई डायमंड माइन कर रहा हूँ मैं खुद, ऐसे तो किसी और से लिए थे पर इस बार खुद माइनिंग पे आते हुए डायमंड्स मिल चुके हैं। ओ भाई कितने सारे भाई डायमंड मिल चुके हैं भाई यहाँ पर, डायमंड्स की बारिश हो चुकी है एक ही बार में। वैसे मुझे लगता है 6 के भी ना, 6 डायमंड्स तो मिल ही जाएंगे, 6 या फिर 4 डायमंड्स। तो भाई पूरा इसको तोड़ लेता हूँ, पहले आगे पीछे थे भाई डायमंड्स मिले हैं भाई हमें, रेड स्टोन की तलाश में आए थे भाई, डायमंड्स मिल गए तो और क्या चाहिए। हाँ ओपी इतनी है ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट से हम अभी यहाँ पर डायमंड्स भी तोड़ते हैं। हाँ 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 क्या मज़ा आएगा भाई, 1 2 3 4 4 ही डायमंड्स बने हैं, पर फिर भी एक आयरन पिकैक्स एक डायमंड पिकैक्स तो बना ही सकता हूँ। ये नीचे कुछ है तो नहीं है वो डायमंड्स वगैरह भाई, थोड़ा सा लालच तो आ ही जाता है। तो भाई और कुछ भी नहीं है यहाँ से, हम फटाफट से चलते वापस से अपने कास्टल की तरफ। मज़ा आ गया भाई, शुक्र है मैं इस रवीन में आ गया, मतलब रवीन बोल रहा हूँ मतलब इस केव में आ गया। ऋतिक भाई को यहाँ पर दिखे ही नहीं होंगे डायमंड्स, मुझे लगा वो डायमंड मिल गया कॉपर था। तो भाई फटाफट से चलते हैं अपने कास्टल की तरफ, भाई मुझे याद नहीं आ रहा भाई अब कास्टल है कहाँ पे मेरा, मतलब जाना कहाँ से यहाँ से बाहर। अरे रास्ता नहीं मिला तो मैं ऊपर की तरफ खोदते खोदते चले ही जाऊँगा, बड़ी भूल भुलैया टाइप बना चुकी है उन्होंने भी। तो भाई मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर आया हूँ भाई यहाँ पे, बहुत मुश्किल से ऊपर आया हूँ भाई मैं। और इनको मैं कुछ सामान दे रहा, एक इनको आयरन हेलमेट दे देते हैं, सबने एक चिकन लिया था और एक स्वॉर्ड ली थी वो भी स्टोन की, इनको आयरन हेलमेट दे देते हैं, कुछ नहीं होता यहाँ पे, इसको मारना पड़ेगा भाई, हमें थोड़ा सा खाने की भी कमी चल रही है। तो हाँ भाई तो अच्छा हो गया भाई, यहाँ पे हमें डायमंड्स मिल चुके हैं भाई, फटाफट से डायमंड्स मार के रख लेंगे हम। रुको मैं जो चीज़ बनाने वाला हूँ ना भाई वो बहुत ज़्यादा ओपी है, आप देखते रहो बस मैं क्या बना रहा हूँ भाई। भाई बहुत ज़्यादा ओपी चीज़ बनाने वाला हूँ भाई मैं, जिससे मेरे कास्टल की लुक सबसे ज़्यादा तगड़ी बन जाएंगी, सबसे ओपी होगा भाई मेरा कास्टल पूरे मतलब जितने भी हमारे बंदे हैं इस वर्ल्ड में, सबसे ओपी भाई बनने वाला मेरा कास्टल अभी। वैसे हमने रोज पाव गेमिंग का कास्टल तो अभी तक देखा नहीं है भाई, क्या पता वो भी कुछ खतरनाक सा बना रहे हों। वैसे एक बार मैं उन्होंने लाइव स्ट्रीम करते हुए मुझे दिखाया था, तब भी उनका कास्टल बहुत ज़्यादा ओपी बन चुका था, पता नहीं अब क्या बना लिया होगा उन्होंने। भाई ये मेरा भी कास्टल अब बहुत बड़ा और आलीशान सा बनने वाला है, तो आप बस देखते रहो। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आप दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, थोड़ी थोड़ी बूटी इकट्ठी करने जाना पड़ा था, थोड़े से सैंड इकट्ठी करने जाना पड़ता ग्लासेस बनाने के लिए, इसलिए मैं आपको फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इतना देखो, यहाँ पे अभी मुझे इसके ऊपर डबल ग्लास की लेयरिंग करनी है, उसके ऊपर मुझे स्टोन ब्रिक की लेयरिंग करनी है, तो सच में भाई उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब लगा था मैंने तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा दिया है। ये देखो भाई मैंने बोला था आयरन डोर बनाऊंगा, वो भाई यहाँ पे मैंने आयरन डोर बनानी है एक साथ तीन, क्योंकि एक साथ बनते ही तीन है, तीनों दरवाजे के लिए बना दूंगा मैं काम पर। जो अभी मैं इस राइट साइड बना रहा हूँ, मतलब जो अभी आप देख रहे हैं ये राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड बना है, ये जो इतना बड़ी बिल्डिंग जो हमारी बन रही है लेफ्ट साइड, वो राइट साइड भी बनने वाली है, सेम ऐसा राइट साइड बनेगा, सेम ब्लॉक्स विदाउट कोई भी हेरा फेरी, तो वो भी सेम बनेगा यहाँ पे। फटाफट से यहाँ पे हम बटन्स बना लेते हैं उसके लिए भी, साथ वाले के लिए भी, वी जो सेम यहाँ पे बन रहा है ना जैसा ये यहाँ पे बन रहा है वैसे ही सेम मैं अपने कास्टल की राइट साइड पे भी बना दूंगा, तो फिर अच्छा लगेगा, ऐसे एक साइड बनेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे ग्लासेस बन चुके हैं, ग्लासेस बनते रहेंगे और मैं धीरे धीरे लगाना शुरू कर देता हूँ, पर यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अभी बनने में कास्टल को, मेरा बनेगा भाई पर सबसे ओपी बनेगा। तो भाई यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई, चलो मैं अंदर चला गया था, यहाँ पे लगा देता हूँ ये ग्लास, ख़त्म हो गया अभी, अंदर और
अंदर और स्मेल्ट हो रहा अभी ग्लास, उसकी भी टेंशन नहीं है। ओ भाई यहाँ पे भी ग्लास मेल्ट हो रहा मेरा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा अभी, तब तक लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है, ज़्यादा भी ऊंची नहीं होगी, इसी वीडियो में मैं कवर कर लूँगा इस सबको, तो उसे सीन्स कट या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके आपको मैं आराम से दिखा दूँगा। भाई यहाँ पे मैंने ग्लास की कवरिंग पूरी कर ली है और मैंने इसके ऊपर वो लगाना है स्टोन ब्रिक्स का पूरा बनाऊँगा मैं ऊपर। तो मैं फटाफट से यहाँ पे काम करना शुरू करता हूँ। ओके भाई थोड़ी सी कमी पड़ गई थी तो इसलिए मुझे वुड की थोड़ी सी माइनिंग करने आना पड़ा, तो भाई कोई ना ओक ले जाते हैं। एक स्टैक प्लस 8 वुड्स हो गई हमारे पास, एक स्टैक और 8 वुड्स, तो फटाफट से बढ़ते हैं कास्टल की तरफ। भाई देखो भाई ये कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से कोई बंदा है और अगर राइट साइड पे भी उतना सा सेम तो और ज़्यादा अच्छा लगता। अब फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पे अभी बन नहीं जाएगा इतने ब्लॉक्स में, तो यहाँ पे तो बन जाएगा। यहाँ पे डबल लेयरिंग करने के बाद मैं ऊपर स्टोन ब्रिक्स की भी लेयरिंग करूँगा। तो यहाँ पे फटाफट से ये ओक्स लगानी पड़ेंगी पहले मुझे उसके लिए। यहाँ पे वैसे मैं आपको बताऊँ तो जो मैं अभी जगह बना रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या बनने वाला होगा जो इतनी बड़ी जगह बना रहा है, तो भाई एक फ्लोर की नहीं ये मैं कोई दो या फिर तीन फ्लोर का ऊपर खींचूंगा, मतलब हाँ जो सही समझ रहे आप, मैं दो या फिर तीन फ्लोर ऊपर खींचूंगा। तो सबसे नीचे वाले फ्लोर में तो अगर चेस्ट रूम, उसके ऊपर वाले फ्लोर में कुछ बना लेंगे भाई ओपी सा, देखेंगे। यहाँ पे अभी ओके ख़त्म हो गया भाई, ओके माइनिंग के लिए जाना पड़ रहा है तो कुछ नहीं होता, एक बार बनेगा तो ओपी लगेगा। पर मैं यहाँ पे 2x में सीन दिखाया भाई, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग रहा था फटाफट ऊपर आने में और नीचे जाने में, बीच बीच में उसकी माइनिंग के लिए ओके माइनिंग के लिए भी करने जाना पड़ रहा था। तो भाई यहाँ पे भाई है, मैं दिखा रहा हूँ भाई अपना कासल, अभी भी तुझे आना भाई, हर टाइम ही तुझे आना भाई, दिमाग ख़राब करना है, हद हो गई यार। अरे मैं तुझे एक अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, जो ये मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ उसके ऊपर वाले फ्लोर में तुझे रहने दे सकता हूँ, तो चाहिए कर ऊपर कितनी इंटरेस्टिंग है भाई, इतना ओपी कासल भाई देख सकते हैं भाई कितना ओपी लग रहा है भाई ये सच में, कितना ख़तरनाक भाई। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई कितना ज़्यादा सही लग रहा है भाई ये, कितना ज़्यादा सही। तो भाई लोग आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।